हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी P1 फ़ोन है, तो रियलमी P1 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में OTG कनेक्शंस को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और OTG कैसे कनेक्ट कर पाएंगे रियलमी P1 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में OTG ऑप्शंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और OTG को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे रियलमी P1 फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर OTG को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे कनेक्ट कर पाएंगे OTG को अपने रियलमी फ़ोन में, बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ऑल आइकन ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना, क्लिक करते 14 सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में OTG को आप कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपली बस एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है, तो एडिशनल सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन में OTG ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं और OTG को कनेक्ट भी कर पाएंगे। सिंपली देख सकते हैं कि बस आपको स्लाइड करना है, कनेक्शन ऑप्शन आ जाता है और कनेक्शंस का यूज़ करके अपने फ़ोन में OTG कनेक्शंस को आप कनेक्ट कर पाएंगे, इसका यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से ऑन करके अपने फ़ोन में OTG को कनेक्ट भी कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। इस तरीके से इसको ऑन करके अपने फ़ोन में OTG ऑप्शंस को कनेक्ट कर सकते हैं और इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिससे OTG कनेक्ट हो जाएगा और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं OTG, तो OTG सर्च करके तो इस पर क्लिक करके फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर OTG को कनेक्ट भी कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में और OTG कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।